अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्च रिकॉर्ड के जो है वो शीट डिज़ाइन करेंगे। सर्च रिकॉर्ड, देर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन सर्च रिकॉर्ड, लेकिन इसमें हम एक अपना डिफरेंट पैटर्न बनाएंगे। एक्सेल में आप अगर चाहते हैं तो एक्सपर्ट हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसको डिफरेंट वे से इट्सेल्फ जो है उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये जो शीट आज डिज़ाइन की जा रही है वो हम लोग सर्च रिकॉर्ड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अब फर्ज करें, ये हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है और इसको मैंने कहा कि वो मैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूं और उसका ईमेल आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली शो कर दे। तो इसके लिए मैंने अपना यहां पर सर्च रिकॉर्ड, मैंने लिखकर अब मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा मार्जिन सेंटर कर लें ताकि ये खूबसूरत लगे, और इसको इसका फॉन्ट चेंज कर लें। अगर अदरवाइज आप यहां से अपना इटसेल्फ जो है वो एक रिकॉर्ड पैटर्न रखा हुआ है वो कर सकते हैं सर्च रिकॉर्ड। यहां पर हमने कहा कि जी इसके कोई भी अगर मैं इसका आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर दूं, फर्ज करें मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें इस वक्त ये अराउंड अबाउट जो है वो ये 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, और आपके जो हमने इस वक्त ये रिकॉर्ड जो किए ये 15 हैं, ठीक है। यानी कहने का मकसद है कि शीट बड़ी भी हो सकती है आपने, और इसमें आपने कहा कि 5001 जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन 5001 है उसका ईमेल आईडी दे दें। तो उसका ईमेल आईडी के लिए आप लोग जो है उसको यहां पर फॉर्मूला लिखाएंगे वी लुकअप का, इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप का, वी लुकअप का फॉर्मूला हमने यहां पर लिखना है। लिखने के बाद वी लुकअप के जरिए हम लोग अपने रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो यहां वी लुकअप वैल्यूज कौन सी वैल्यूज को आप सर्च करना चाहते हैं इस वैल्यू को। उसके बाद है कि आप जो है वो कौन सा टेबल सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहां से लेकर आपने मेंशन करना है तमाम रिकॉर्ड, जितना बड़ा भी आपका टेबल है वो मेंशन कर देंगे, और उसके बाद कोमा डालकर आपने बताना है कि इस में जो कौन सी फील्ड को आप लोग इंडेक्स के तौर पर बताएंगे कि कौन सी फील्ड। तो ये देखिए हमारे फील्ड जो है ना 1 2 3 4 5 नंबर फील्ड आ जाती है जो कि ईमेल के लिए, मैंने 5 यहां पर लिखा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लुकअप, कोमा डालेंगे और लुकअप रेंज। आप लुकअप में वो बताता है कि उसको क्या क्या लुकअप करना है, अप्रोक्सीमेटली मैच करता हो या एग्जैक्ट मैच करता हो। मैं कहता हूं एग्जैक्ट मैच करता हूं, इस पर डबल क्लिक करके आप ओके कर लें और एंटर करें। तो ये देखें ये हमारा जो एक फॉर्मूला बन गया। आप जैसे ही इसका ईमेल एड्रेस ये अली है, आप जैसे ही जो है वो आपका इसका चेंज करेंगे तो उधर से उसका ईमेल एड्रेस ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसके मुताबिक जो है ना वो आप लोगों को। अब फर्ज करें ये मैं 5004 लिखता हूं तो 5004, अब वो उसका 5004 का जो है वो यहां पर आप गौर करें कि उसका जो है ईमेल आईडी आ गया। अब इसी तरह समटाइम ये होता है कि हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक एड्रेस नहीं, हमें कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए। अब पीछे अगर एक आदमी स्टूडेंट आता है और अपनी वो रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है, तो हम चाहते हैं कि उसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है ना हम लोग यहां पर पूरे का पूरा आ जाए। तो इसके और भी वे हैं, इसको हम लोग इस तरह यहां पर मेंशन कर सकते हैं और इसको सर्च रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्ज करें हमने इसकी हेडिंग वगैरह चेंज कर देनी है, इस सबको हमने क्लियर कर दिया। इसको हम नए सिरे से थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। यहां हमने सर्च रिकॉर्ड कर दिया, लिखा और इसको मार्जिन सेंटर कर लें आप के डाटा को मर्ज करें और सेंटर करें। इसकी हेडिंग वगैरह को फॉर्मेट ने अच्छा सा डिजाइन करें, आपने और यहां पर आपने ये तमाम हेडिंग को ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है क्योंकि आप सर्च करना चाह रहे हैं।
इसको आप जो है कलर, इसको कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट दे दें। टेबल बना लें इसको, ठीक है। यहां हमने सर्च रिकॉर्ड, यहां हमने आपका वो लिखना है कि किस, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दिया जाए, किस बेस पर आप उसे सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर कहते हैं कि आईडी की बेस पर सर्च करना चाह रहे हैं उसे, यानी हमारा क्राइटेरिया जो है ना वो इसको क्राइटेरिया के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर हम एंटर करें और हमारा जो है वो और इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, इसको भी कर लें, ब्लॉक बना लें रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे आप, जब आप यहां रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली उस रजिस्ट्रेशन के, ठीक है ना, अब फर्ज करें यहां पर मैं कहता हूं कि एंटर हम लोग करें 5005। जैसे हम एंटर करें वो इस जो है वो इस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो उसका रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड जो है वो हमें डिस्प्ले कर दे, ठीक है जी। तो ये एक अब इसका देखते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट जनरेट हो रही है और प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज है। अगर आप एक्सेल में महारत रखना चाहते हैं तो उसको जो है ना वो क्या कहते हैं ये आप लोग इस बेस पे करें, ठीक है। यहां पर वही फार्मूला लिखेंगे, वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, ये वी लुकअप के नाम से हमने फार्मूला लिखा, एंटर किया। अब क्या चीज सर्च करनी है, ये वाली रिकॉर्ड सर्च करें, ठीक है। और कहां से सर्च करें, ये क्राइटेरिया हमने दे दिया कि इस फील्ड में से अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड है तो आप उसको मेंशन करेंगे, और कौन सा यहां पर कौन सी फील्ड आनी चाहिए इस रोल नंबर के अगेंस्ट, या फील्ड नंबर, या ऑब्वियसली 1 है तो 1 आनी चाहिए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट करेंगे, एग्जैक्ट मैच करें और इसको ब्रैकेट करके इस रिकॉर्ड को आप सेव कर लेंगे, कॉपी करें, एंटर कर लें। अब आप देखें कि आपका रिकॉर्ड जो है वो आपने जैसे ही यहां पर जो है वो अपना एंटर किया है वो आ गया यहां पर 5007 करता हूं मैं, तो ये उसके मुताबिक सेकंड में जाएंगे आप लोग और वही सेकंड में वही फॉर्मूला आप पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया है, और यहां फील्ड का नाम दे देंगे 2 और कुछ नहीं आपने चेंज करना, तो ये 2 आ गया, यहां 3 कर देंगे, यानी फील्ड नेम जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये इस तरह की जो है वो शीट जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं स्टूडेंट्स लेवल पे, इससे आपकी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये एक सिंपल रिकॉर्ड है, एक सर्च रिकॉर्ड शीट है, और आप इसमें किसी का भी आईडी दे दें, किसी का भी रजिस्ट्रेशन दे दें, वो आपको यहां पर आपके जो है पूरे का पूरा रिकॉर्ड सर्च कर देगा। चाहे फर्ज करें हम लोग यहां करते हैं 5011, तो उसने वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड चेंज कर दिया 5001। आप ये देखें, क्योंकि आपको तो सामने नजर आ रहा है, टैली हो रहा है इसका सामने के किस वक्त, तो इस तरह आप लोग ये सर्च रिकॉर्ड एक शीट बनाएं और अपनी जो है एक्सेल में हम महारत हासिल करें। मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे
वीडियो रिक्वायर्ड हो या कोई हेल्प चाहिए हो एक्सेल के सिलसिले में, तो आप हमसे जो है वो कमांड्स में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा और ये शीट वगैरह फ्री डिजाइन करके आपको दी जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।